हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आई होप आप लोग ठीक ही होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले सेमेस्टर सिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास करीब 60 स्टूडेंट हैं जो लगातार व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं और एक दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं अपने आप से। ठीक है, कभी कभी मेरा भी प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर लेते हो। जैसे याद है, कुछ क्वेश्चंस मैंने भेजे थे, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन किसी ने भेजा था आप लोग में ही से, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लगातार बने हुए आपके लिए, और जब आपका एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा, ठीक है, रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम रिक्वायरमेंट करेंगे, कुछ कुछ लोगों को अपने टीम में शामिल करेंगे आप लोग को। ठीक है, उसके लिए आप लोग को मंथली कुछ सैलरी फिक्स कर दिया जाएगा, और आप लोग जहाँ भी रहेंगे अपने मन से रिकॉर्ड करके वीडियो मेरे पास टेलीग्राम से भेज सकते हैं और हम उसको अपलोड करेंगे। इसकी वजह से पर डे का रहेगा वो, ठीक है, जो कुछ भी आपको मन में रहेगा हम लोग मीटिंग भी किया करेंगे, सब कुछ रहेगा हम लोग के पास। ठीक है, तो पहले सेमेस्टर सिक्स पास हो जाए कि नहीं, तो एक चीज़ ये बता दे रहे। दूसरी बात ये है बच्चा लोग, कभी भी कहीं भी सेमेस्टर सिक्स का एग्ज़ाम में आपको अब्सेंट नहीं होना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन नहीं जानते हैं तो उसके सॉल्यूशन के जगह पे उसी से कोरिलेट दूसरा सॉल्यूशन लिख दीजिए। ठीक है, अगर कहीं भी बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स आ गया, ठीक है, या तो ये आ गया डिराइव प्लैंक्स फॉर्मूला फ्रॉम बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, तो आपको करना क्या है भैया, हम नहीं जानते तो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स लिख दो। इससे क्या होगा, जो कुछ नहीं मिलता उससे पास मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, हम खुद अपने ऊपर ट्राई किए और हम झेले भी हैं कि जब कोई भी क्वेश्चन अगर छोड़ देते हैं तो प्रमोट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर मार्क्स बढ़ता ही नहीं है। हालांकि आपके यूनिवर्सिटी में जितने भी हैं उनका यही मानना रहता है कि कोई भी बच्चा अब्सेंट ना हो, कोई भी बच्चा प्रमोट ना हो। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने तरफ से ढीला छोड़ते हैं तो आपकी गलती है, यूनिवर्सिटी वाले इसमें आपसे कुछ नहीं कर सकते, और फिर एक साल और रुकना पड़ेगा, टाइम एनर्जी और मनी तीनों वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उनको बचाए रखने के लिए एक भी एग्ज़ाम छोड़िएगा नहीं और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। ठीक है, हाँ, एडमिट कार्ड को टाइम पर डाउनलोड करके एकदम दिमाग में बैठा देना है कि कौन कौन सा दिन एग्ज़ाम है, कौन कौन सा टाइम में। ठीक है, अगर आप कहीं भी, ऐसा हो सकता है कि आप सेमेस्टर सिक्स के स्टूडेंट हैं, लोकल में है आपका घर, जैसे मान लीजिए कि आप हजारीबाग में ही एग्ज़ाम सेंटर है, लेकिन आपका घर है वहाँ पर इधर मेरू दारू झुमरा तरफ है, ठीक है, तो आते जाते समय क्या होगा, ट्रैफिक लग जाएगा, उसकी वजह से कहीं दिक्कत ना हो जाए, बारिश ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है, इवन एक्सीडेंट हो गया होगा किसी का, तो उसकी वजह से रोड जाम हो जाएगा। उसके लिए समय को हाथ में रखते हुए भी एग्ज़ाम सेंटर पर जाइएगा। ठीक है, और ईमानदारी से एग्ज़ाम दीजिए, हमको भरोसा है अगर आप आसान मतलब शांत से एग्ज़ाम देंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा वहीं पर। ठीक है, दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, लास्ट लास्ट में एग्ज़ाम में सबको पता चल जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि आपके बगल वाला लिख चुका होगा। ठीक है, वो हर जगह का एक कॉमन मेथड है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं पास करते हैं, तो आज पेपर 14 जो है आपका, जो स्टैटिकल फिजिक्स है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ठीक है, तो इसमें हम गैस क्वेश्चंस किए हुए हैं जो कि आपको अभी नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक नहीं नज़र आ रहा होगा, लाइट के कारण चमक रहा है, तो ये हम लोग उसको बताते हैं। ठीक है, तो हम देखिए, जब मैंने स्टडी किया 2016 वाले बैच का क्वेश्चन पेपर और 2017 वाले क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो उसमें एक चीज़ कॉमन मिला, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ठीक है, उसके अंदर जितने भी स्टैटिस्टिकल लॉ हैं, ठीक है, वो बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल लॉ जितने भी हैं वो तीनों ज़रूरी है। तीनों क्या क्या है, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, जो भी ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ रहे होंगे आप, तीनों ज़रूरी है। बोली क्यों, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है काउंटिंग करना। ठीक है, तो काउंटिंग क्या किया जाता है, क्यों करना पड़ा, और अगर एक चीज़ मेरे पास आया, एक नियम आया मेरे पास, ठीक है, तो उसके बाद फिर दूसरा का ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि पहला में कुछ गलती हुआ होगा और उस गलती को लिमिटेशन कहते हैं, और ये लिमिटेशन पूछ चुका है पिछले सेशन वाले एग्ज़ाम में। अगर पहला स्टैटिस्टिक्स हमने किया तो उसमें क्या क्या फ़ायदा मिला, ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसके लिए हम बोल रहे हैं तीनों स्टैटिस्टिक्स को आसानी से, इजीली, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा और ट्रिक फिट करके उसको दिमाग में लोड कर लीजिएगा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आई आपको? हाँ, तीनों स्टैटिस्टिक्स कौन कौन सा, बोस आइंस्टीन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एंड लास्ट इज फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स,
ये तीनों में आपको लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब हर एक साल पूछा जा रहा है, ठीक है। ये तीनों बहुत ज़रूरी है, मतलब इसमें क्या क्या पूछा जाता है वो देखिए। पहला तो ये है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर पार्टिकल ऑफ एन आइडियल गैस, ये पूछ दिया, ठीक है। दूसरा है बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, और प्रूव करने के लिए कहेगा एन आई इक्वल टू जी आई बाई ई का पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस वन, ये वाला प्रूफ करके बताइए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तीसरा फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि वो भी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका जरूरत क्यों पड़ा ये भी पूछा जाता है, ठीक है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डेरिवेशन सहित तीनों को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बचता है जो आप लोग सेमेस्टर थ्री में पढ़े होंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है, आई थिंक सेमेस्टर थ्री या तो सेमेस्टर फोर में था क्वांटम फिजिक्स, तो वहाँ पर आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा होगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो निकलती है, ठीक है, वो कैविटी बना कर के रेले जीन्स लॉ पढ़ा होगा, ठीक है, और एक क्वांटम फिजिक्स के अनुसार से बनाया गया था उसके बाद, वो भी पढ़ा होगा। तो उन सभी चीज़ों प्लैंक्स फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स के आधार पर बनाया गया था ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को, तो उसको क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास, मतलब टाइम है बट उतना स्पेस नहीं है मोबाइल में, मेन बात यही है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो जितने भी तरह के, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को प्रूफ कीजिए यूजिंग बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, या तो प्लैंक्स लॉ को जानना पड़ेगा या तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन को जानना होगा। अगर आप दोनों नहीं जानते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं जान रहे प्रूफ करने, तो इन दोनों में कोई भी लिख दीजिए, एक बहुत लंबा लिखिएगा, लंबा मतलब दो चार पेज में लिखिएगा, ठीक है, लंबा पढ़ा पढ़ा करके, जहाँ डेरिवेशन है वहाँ पर क्या कीजिए, तीन चार लाइन में एक लाइन लिखिए डेरिवेशन, वो तो मैथ चीज़ है, इंटीग्रेशन दीजिए इतना बड़ा कि चार लाइन को घेर ले वो, ठीक है। इसके क्या होगा, नंबर ऑफ पेज बढ़ेगा, आपका मार्क्स अपने आप बढ़ जाएगा। फ्रेश लिखिएगा, कट कुट नहीं कीजिएगा, आपका मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये वाला जो पेपर है थोड़ा टफ है, सबको पता होगा, क्योंकि इसमें लंबा लंबा डेरिवेशन है, जैसे MB स्टैटिस्टिक्स जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, वो भी बहुत लंबा है, बोस आइंस्टीन वाला भी लंबा है, और फर्मी डायरेक वाला कुछ समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने ये बता रखा है, ठीक है। और अगर ये नहीं बताए होंगे तो दो चार दिन के अंदर हम बता देंगे, ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पूछा जा सकता है, जो पूछा भी जाता है लगातार, ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और डिफरेंस पूछा जाएगा इन तीनों में, तीनों स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस पूछा जाएगा, और ये तीनों स्टैटिस्टिक्स के आधार पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो देख लीजिएगा। जिस तरह से हमने बताया अभी आप पेपर 13 का, जो मैंने बताया कि पेपर 13 में जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न क्या है, उसी तरह का पैटर्न इसमें भी रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15-15 नंबर का चार क्वेश्चन रहेगा, उसमें से नंबर वन क्वेश्चन जो है सो कंपलसरी रहेगा, और उसमें हो सकता है कि 10 क्वेश्चन रहे आपका ऑब्जेक्टिव 1.5 मार्क्स का, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, उसको समझ चुके होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ भी क्वेश्चन में हमने सेलेक्ट किया कि डिराइव प्लैंक्स लॉ फ्रॉम बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, तो ये सब ध्यान रखना है जो छोटा छोटा चीज़ है। और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, ये तीनों जो डेफिनेशन में पूछा जा सकता है। तो टोटल मैंने 9 क्वेश्चन सेलेक्ट किया, 9 क्वेश्चन आप लोग को भेज देते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से उसको पढ़िए, ट्रिक पर फिट कीजिए, हमने कुछ क्वेश्चन बताए भी हैं, वीडियो बनाकर समझाए भी हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हर एक क्वेश्चन का नाम के साथ में दे दूंगा, ठीक है, टॉपिक के नाम और उसका लिंक, टॉपिक के नाम उसका लिंक, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा और ट्रिक फिट कीजिए दिमाग में। याद रखिए कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इसमें आपको 4 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है, 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, उसमें से नंबर वन क्या बोलते हैं वो ऑब्जेक्टिव है, बच गया 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ही नहीं है, रहेगा क्वेश्चन उसमें 8, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 3 का आंसर देना है। इसके लिए आपके लिए फ़ायदेमंद है, और हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहेगा वीडियो, ठीक है। जितना मैंने बोला है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, इसके बाद बाकी चीज़ आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़रूर याद रखिएगा कि हम रिक्रूटमेंट करेंगे जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का जरूरत पड़ सकता है, और हर एक स्टूडेंट फिजिक्स में एटलीस्ट अच्छा रैंकिंग का हो, मैथ्स में एटलीस्ट अच्छा रैंकिंग के हो, उन सारे स्टूडेंट को मैं रिक्रूटमेंट करूँगा, ठीक है, और उस अनुसार से मैं सबको अपने चैनल में ही वीडियो अपलोड करने का मौका दूंगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान में रखिए, आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है ये फिजिक्स क्लासेस, इसको शेयर कीजिए, अगर इससे रिवेन्यू आएगा तो हम लोग मिल बांट करके यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो
वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, 10 मिनट काफ़ी है, 10 मिनट टाइम देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।